नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी शरीयटा में आपका स्वागत है। संविधान के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो 36 नंबर का हमारा टॉपिक चल रहा था राजनीतिक दल सेकंड पार्ट। इससे पहले हमने देखा था साइड माइक बटन में, पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर जो है वो 3, जिसमें हम इसके आगे के बाकी बचे हुए प्रश्न 41 से लेकर के 56 तक प्रश्न देखेंगे। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर जो है वो 41 से। प्रश्न आपका है कि इनमें से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है, ये आपको बताना है। भारत का पूछा गया है जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी या फिर शिरोमणि अकाली दल। बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। इनमें से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं, आपका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन जो है ये आपका जो है बिल्कुल सही होगा। और इसी से मिलता जुलता एक नाम है जो कि है आपका राष्ट्रीय जनतांत्रिक, यहाँ पर लोकतांत्रिक लिखा है, जनतांत्रिक गठबंधन या जो राजक है वो भारत में एक राजनीतिक गठबंधन है। नेतृत्व जो है जनतांत्रिक गठबंधन का भारतीय जनता पार्टी जो है उसके द्वारा किया जाता है। बाकी सभी यहाँ पर राजनीतिक दल हैं, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो गया या फिर भारतीय जनता पार्टी हो गया, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल आपका पंजाब से रिलेटेड है, जनता दल यूनाइटेड जो है आपका बिहार से रिलेटेड है, और बिहार के साथ साथ झारखंड में भी आपको देखने को मिलता है। अगला देखते हैं 42 प्रश्न कि भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जो है वो बनी थी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जो है वो बनी थी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल। आंसर की बात करते हैं तो केरल आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 प्रश्न आपका है कि केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार जो है वो किस वर्ष जो है वो बनी थी। ऊपर भारत करके पूछा गया है, यहाँ पर केंद्र करके पूछा गया है, और कब पूछा गया है, 1977, 1978 या फिर 1979 या फिर 1980। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से आंसर की बात करते हैं कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन ए वाला 1977 ईस्वी आपका सही होगा। अब तो पूछा जाए पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बनी थी, तो केरल में बनी थी, और केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी, तो 1977 ईस्वी में बनी थी। अगला प्रश्न है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को किसमें स्थापित किया गया था। एनसीपी 1925, 1955, 1984, 1999, कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो 1999 ईस्वी आपका सही होगा। 45 प्रश्न है आम आदमी पार्टी का गठन, ये मैंने आपसे पूछा भी था पिछले वाले पार्ट में, इस गठन कब किया गया था, 2010 ईस्वी, 2011 ईस्वी, 2012 या 2013 ईस्वी। तो दिल्ली में सरकार है आम आदमी पार्टी की, माननीय अरविंद केजरीवाल की। तो चलिए आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। तो 2012 ईस्वी में जो है आपकी सरकार जो है वो बनी थी, जिसको हम क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी। अगला है 46 प्रश्न, द्रविड़ मुनेत्र कड़ंगम की स्थापना जो है वो किसने की थी। एम करुणानिधि, एम जी रामचंदन, सी एन अन्नादुरई या सी राजगोपालचारी। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। द्रविड़ मुनेत्र कड़ंगम जो है इसकी स्थापना किसने की थी। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आपका सी वाला ऑप्शन सी एन अन्नादुरई जो है आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं आपका, चुनाव आयोग द्वारा 2016 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी। तृणमूल कांग्रेस, वाई एस आर कांग्रेस या फिर अन्ना द्रमुक या फिर तेलुगु देशम। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। चुनाव आयोग द्वारा 2016 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी। आंसर की बात करते हैं तो तृणमूल कांग्रेस आपका जो है वो सही हो जाएगा 2016 में। अगला प्रश्न 48 है कि इनमें से किस भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला जो है वो करते हैं ना कहकर के करते थे आप कह सकते हैं। प्रश्न आपका 2018 आरआरबी में पूछा गया था। तो जम्मू कश्मीर स्टेट कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी या जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहेगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। आंसर की बात करते हैं तो बी वाला आपका ऑप्शन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस आपका जो है बिल्कुल सही होगा।
49 प्रश्न आपका है, भारतीय राजनीतिक पार्टी IAITC इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तेलुगु कांग्रेस, ऑल इंडिया तेलुगु कम्युनिस्ट या फिर ऑल इंडिया तृणमूल कम्युनिस्ट, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। AITC जो है इसकी फुल फॉर्म। ऑप्शन ABCD में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है बिल्कुल सही होगा, AITC जो है इसकी फुल फॉर्म, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। अगला है प्रश्न आपका, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने जो है वो प्रस्तावित किया? SA डांगे, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी या फिर जयप्रकाश नारायण। आपको बताना है कि भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने जो है वो प्रस्तावित जो है वो किया था। ऑप्शन ABCD में से आंसर की बात करते हैं तो ये नाम देखने को मिलता है जयप्रकाश नारायण का, डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। और ये क्वेश्चन आपका यूपी लेवल पर यूपी टेट का एग्जाम हुआ था 2014 में, वहां पर भी जो है वो पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं आपका 51 नंबर प्रश्न की, भारत में एक राजनीतिक दल का जो विलय है वो दूसरे राजनीतिक दल में इनमें से किस स्थिति में जो है वो मान्य होता है? पहला, जब विधान दल के कम से कम एक तिहाई सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों तब। दूसरा, जब विधान दल के कम से कम आधे सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों। तीसरा, जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय जो है उसके लिए सहमत हो गए। और चौथा, जब विधान दल के कम से कम 3/4 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए। इस टाइप से चार ऑप्शन है, स्थिति आपको बताना है कि भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में इनमें से किस स्थिति में जो है वो मान्य होता है। तो चलिए फिर आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा कि जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए जो है वो सहमत हो गए हों, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, अगला प्रश्न है 52 कि राज्य की विधायिका या फिर संसद, राज्य की विधायिका या जो संसद है उसका एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारतवर्ष में दल बदल के आधार पर होने वाली निर्भरता का अपवाद इनमें से किस स्थिति में माना जाता है? चार ऑप्शन में से नीचे के तो दोनों और इनमें से कोई नहीं सही है, तो ए और बी को ध्यान से देख लेते हैं। ए कह रहा है, यदि राज्य की विधायिका या संसद के किसी सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर वह स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, तो ए वाला तो आपका बिल्कुल सही है। फिर बी कह रहा है आपका कि यदि ऐसे पद पर ना रहे जाने के पश्चात वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है, तो ये भी सही है। आंसर आपका यहाँ उपर्युक्त दोनों ही जो है वो सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला प्रश्न आपका 53 है, इनमें से कौन एक क्षेत्रीय दल है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति या फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, कौन एक क्षेत्रीय दल है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आपका तेलंगाना राष्ट्र समिति जो है बिल्कुल सही होगा, ये जो है आपका एक क्षेत्रीय दल के रूप में जो है वो आ जाएगा। अगर थोड़ा सा तेलंगाना राष्ट्र समिति के बारे में बात करें तो ये दक्षिण भारतीय जो राज्य तेलंगाना है इसकी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। वर्तमान में तेलंगाना जो राज्य है उसमें सरकार जो है ये चला रही है। अध्यक्ष की बात करें तो के चंद्रशेखर राव पार्टी के अध्यक्ष हैं और राज्य के पहले और वर्तमान मुख्यमंत्री के तौर पर भी इन्हीं का नाम जो है वो आता है, तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं आपका 54 नंबर प्रश्न कि चुनाव आयोग द्वारा 2019 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी? चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया था ये यहाँ पर लिखा गया है। चार नाम है, नेशनल पीपुल्स पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या लास्ट ऑप्शन तेलुगु देशम पार्टी, कौन सा इनमें से सही होगा? आपको बताना है कि चुनाव आयोग द्वारा 2019 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी। आंसर की बात करते हैं आपका ऑप्शन ABCD में से, तो ए वाला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, नेशनल पीपुल्स पार्टी। अगर बात करें नेशनल पीपुल्स पार्टी की तो इसका जो प्रभाव है वो मुख्य रूप से मेघालय राज्य में आपको देखने को मिलता है। पार्टी के गठन की बात करें तो पी ए संगमा, ये नाम आप याद रख सकते हैं, इन्होंने जो है वो इसका गठन जो है वो किया था। और जुलाई 2012 में उन्हें राष्ट्रवादी जो कांग्रेस पार्टी है से निकाल दिया गया था, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए वाला जो है नेशनल पीपुल्स पार्टी सही होगा।
55 प्रश्न आपका सेकंड लास्ट है, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने बताया था 56 तक हम प्रश्न देखेंगे, लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के दर्जे की समीक्षा चुनाव आयोग द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 15 वर्ष, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के दर्जे की समीक्षा चुनाव आयोग द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? 2, 5, 10 या 15? आंसर की बात करते हैं तो आपका 10 वर्ष जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 वर्ष बाद राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी होती है समीक्षा उनकी जो है चुनाव आयोग द्वारा जो है वो की जाती है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी एटा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। प्रश्न ये पूछ रहा है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला कह रहा है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त जो दल होते हैं उनके चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल किसी अन्य दल द्वारा नहीं किया जा सकता, राष्ट्रीय पार्टी के संदर्भ में पूछा गया, ये आपका पहला ऑप्शन है। दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय दल जो है उनको अपने सरकारी कार्यालयों की स्थापना हेतु भूमि भवन का आवंटन सरकार द्वारा किया जाता है, सही पूछा गया है। सी कह रहा है चुनाव के दौरान राष्ट्रीय दलों को 40 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति होती है, और डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो बताइए कौन कौन से यहाँ पर सही है। तो पहला तो बिल्कुल आपको पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि एक को जो चुनाव चिन्ह आवंटित हो गया उसका कोई अन्य इस्तेमाल ना करे, तो पहला सही है। साथ ही साथ चुनाव के दौरान राष्ट्रीय दलों को 40 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति होती है, ये भी सही है। तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा, उपर्युक्त सभी ही यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन भी यहाँ पर जो है वो सही है। तो सभी प्रश्न समाप्त हुए, अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि दल बदल विरोधी जो अधिनियम है जिस तिथि को जो है वो पारित हुआ था वो जो है इनमें से कौन सी थी? ए ऑप्शन है 17 जनवरी 1985, बी ऑप्शन है 15 फरवरी 1985, सी ऑप्शन है 30 मार्च 1985 और डी ऑप्शन है 21 अप्रैल 1985। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।